ध्यान देना, ये उन लोगों के लिए है जो एक रुपए कमाते हैं, सवाया खर्च होता है घर में, जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से शुरू करें। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में, चार पांच जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये दो जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहां चढ़ाना है जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहां चढ़ाना है, देव अधिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, ब्रह्मदेव प्रकट हुए, मार दिया था, और देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में, उन्होंने वर प्रदान कर दिया षडानंद कार्तिकेय। भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देव अधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा षडानंद कार्तिकेय, इस कार्तिक के महीने में देव अधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी